शुभ रास्ता। शुभ्रांश राय कह रहे हैं कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेताओं के खिलाफ क्या क्या बोला करते थे जिनके साथ, है ना, वो आज तो भाई केजरीवाल भी तो एक समय था ना कि ऐसे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों के नाम ऐसे पॉकेट से निकाल के रखते थे जैसे कि उनके पास पूरा, उन्होंने उनके उनकी रिपोर्ट तैयार कर रखी है, पूरी जनकुंडली है उनके पास, और उन्हीं के साथ लालू से लेकर और तमाम लोग जो लोग कभी उनकी 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 लिस्ट में, हिट लिस्ट में हुआ करते थे, आज उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं। एकदम आप सत्य वचन कर रहे हो, ऐसे ही लिस्ट निकाल के चलते थे जैसे नरेंद्र मोदी। शुभ रास्ता इसका जरा जवाब ले लेते हैं ना कि भाई ये अगर ये अनैतिक है तो ये सबके लिए है ना। शुभ्रांश जी पहले शांत हो तब तो मैं कुछ कह सकती हूँ। नहीं, आप अपनी बात शुरू करिए ना, उसके बाद। हाँ देखिए, मैं अचंभित हूं कि आज कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इतना पुरजोर तरीके से उतरी हुई है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को दिल्ली में लगभग नगण्य कर दिया, और ऐसा नगण्य किया कि अभी कांग्रेस सोच नहीं सकती कि दिल्ली में एक भी सीट उन सीटों पर जीत जाए जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक्टिव है। वैसे शुभ्रांश राय अगर आज डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है ये सोच करके। रंजीत जी नहीं, इतने जोरदार तरीके से तो आप वाले भी नहीं कर पा रहे हैं डिफेंड, मुझे इतने जोरदार तरीके से आप वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं रंजीत जी, सिंपल सी बात है, सवाल लिकर पॉलिसी पे है। अगर शुभ्रांश जी दो मिनट सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं कहा, आप लोग में से जितने लोगों ने बोला, मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं कहा। बोलने दीजिए शुभ्रांश जी, शुभ्रास्ता को बोलने दीजिए। शुभ्रांश जी, मैं आपसे ये सवाल तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछते पूछते थक गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया, शायद आपके पास इसका जवाब हो। लिकर पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ही अगर एक व्हाइट पेपर जारी कर दे डिफेंड करते हुए कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी बनाई गई उसको रिट्रैक्ट किया गया और दोबारा से लेकर के आया गया, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का क्या रैशनल था और किन किन लोगों को फेवर किया गया, इसके बारे में एक ऑफिशियल लाइन अगर आप ही लोग बता दें तो शायद दिल्ली की जनता आश्वस्त हो जाए। इस पे बात नहीं करेंगे आप, बात करेंगे डेमोक्रेसी पे। आप एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के चलेंगे क्योंकि ये मुद्दे आपके लिए बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं जी, जबकि प्रदेश की जनता को जी यही मुद्दे मैटर करते हैं। हमारे प्रदेश में लिकर स्कैम हुआ है, इस प्रदेश की नागरिक होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि इस लिकर स्कैम में, एक सेकेंड, मैं जानना चाहती हूं कि इस लिकर स्कैम में क्या समस्या थी, और इस लिकर स्कैम को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। अब जब वो चले गए हैं जेल के अंदर तब उनको लग रहा है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ये गलत बात है शुभ्रांश जी। इसीलिए आप इतना डिफेंड कर रहे हैं केजरीवाल को, आप इस पॉलिसी को डिफेंड कर दीजिए, उसके बाद की बात आप जाने दीजिए, बाकी आप बाकी राजनेताओं के साथ आप लड़ाई कर सकते हैं। मुझे एक शुभ्रांश राय, सिर्फ लिकर स्कैम पे अगर दो लाइन, हाँ अगर आपने इतनी बातें कही दो लाइन जरा लिकर स्कैम पर भी बोली दीजिए। मैडम आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ क्योंकि मैं भी निवासी और वोटर दिल्ली का ही हूँ, लेकिन सवाल ये पॉलिसी के ऊपर आपने कहा बिल्कुल पॉलिसी गलत बनी है, तो पॉलिसी साइन करने वाले तीनों लोगों को उठाकर उनकी जांच कर लीजिए जो भाजपा के बनाए हुए लोग हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और वो भी ओपन कैमरे के सामने कर लीजिए। आज तक सारी खुफिया कैमरा साइनिंग अथॉरिटी जो तीनों लोग थे, चीफ सेक्रेटरी जी, मतलब मैं ये, अरे रुक सो मैडम प्लीज, फाइनेंस सेक्रेटरी तीनों के पास नहीं। शुभ्रांश राय, ये वाला विजडम कांग्रेस के नेताओं को पहले क्यों नहीं आया था, जब पहले जब अजय माकन पीसी करने आते थे तब तो नहीं कहते थे कि ये तीनों को जरा पकड़ के लेके आओ, तब तो यही हो रहा था कि भाई सारी चोरी वो आपके लोगों ने की, आज अचानक से आपका गठबंधन हो गया तो आपको लग रहा है कि ये सबकी जांच होनी चाहिए। जो लोग साइन कर रहे थे, जो साइन किया जिन्होंने, उन्हें हाँ ये एकदम आप सही कह रहे हैं, जो विजडम आपने हमें सिखाया, अरे 2000 आप हर बार लौट के हमारे ऊपर आ जाते हैं भाई, अगर इसका मतलब है कि मतलब कांग्रेस के पास अपना कोई विजडम नहीं है ना, सब हमसे सीख के ही करेंगे आप। सुन तो लीजिए, राजनीति में ग्रह काल के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। जो नरेंद्र मोदी जी के पास स्विस बैंक के अकाउंट होल्डरों का पता था, वो 10 साल में उस कागज के ऊपर फफड़ा और भाखड़ा खा गए हैं। ये वक्त के साथ बदलता रहता है। बिहार के अंदर चौसा के बगल में जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई है, बिहार पुलिस घर में घुस घुस के मार रही है, गांव ब्राह्मणों का है, ठीक है, जमीन एक्वायर करने के नाम पे उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कहां की बात कहां ले जा रहे हैं, मैं अभी अभी बात हो रही है शराब घोटाले की, शराब घोटाले पे आप कोई बात नहीं करेंगे, आपने तय कर लिया कि शराब घोटाले पे कोई बात नहीं करनी, हमें दुनिया के तमाम मुद्दे ले आएंगे,
ट्रंप का भी जिक्र कर लीजिए, देखिए ट्रंप की सरकार उधर आने वाली है यूएस में, उसका भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए अगर इधर के मुद्दे खत्म हो गए हो तो। वहां भी प्रचार कर ले, अब की बार ट्रंप सरकार करने जाएंगे, क्या बुराई है भाई, जाने दीजिए भाई। अब लोकतंत्र इधर, यहाँ दिल्ली की बात हो रही है, 365 दिन सिर्फ चुनाव प्रचार करना है, दिल्ली की बात हो रही है, शराब घोटाले की बात हो रही है, आप उसकी बात नहीं करेंगे, जरा आप नहीं करेंगे, लेकिन जनता लगातार कर रही है वोट। जरा देखिए 31,000 से ज्यादा वोट आ चुके हैं, और चौथे और पांचवें सवाल का जरा एक बार रुझान देख लेते हैं। आज के और आंदोलन के दौर में जो केजरीवाल थे उसमें बड़ा फर्क क्या देखते हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि आज भी कट्टर ईमानदार हैं ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2%। अब भाई 2% लोग ये मानते हैं तो बाकी क्या मानते हैं, केजरीवाल भ्रष्ट हो चुके हैं ये मानने वाले लोग 95.3% लोग हैं। आप सोचिए 95.5% लोग मानते हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट हो चुके हैं और बदनाम किया जा रहा है केजरीवाल को, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2.5% हैं। लोगों की राय कितनी स्पष्ट है इस मसले पे, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। पांचवें सवाल का भी एक बार दिखाइए रुझान कि सुनीता केजरीवाल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता केजरीवाल क्यों कर रही हैं, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं कि सहानुभूति पाने के लिए ऐसा मानने वाले लोग करीब 70% हैं, 25% लोगों को लगता है कि वो केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी हो सकती हैं, उनके बाद वो सीएम हो सकती हैं, तो इसलिए वो ऐसा अब सामने आ रही हैं नेपथ्य से निकल के और पत्नी होने के नाते बोल रही हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 4.5% हैं। सो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि या तो सहानुभूति पाने के लिए, या हो सकता है कि वो बाद में अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए, इसलिए बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की तारीख में सुनीता केजरीवाल कर रही हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो उसके पीछे ये वजह हो सकती है। एक बार फिर से आकाशदीप पुणी का रुख करते हैं। आकाशदीप पुणी, तो अरविंद केजरीवाल जो खुलासा करने वाले हैं, जाहिर सी बात है पूरे देश की उस पर नजर रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इतना समय लिया, नौ समन और इतनी सारी बातें, इतने सारे आरोप लगने के बाद भी उनको मनी ट्रेल नहीं मिला, लेकिन जब अचानक से ईडी के हिरासत में गए उनको सारा मनी ट्रेल पता लग गया है, उनको पता लग गया है कि ये शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये, क्या दिल्ली के लोग ये डिजर्व नहीं करते कि उनको एक ऐसी सरकार मिले जिसको लेकर के वो उन्हें एक एक, एक, एक गर्व कर सकें, अगर दिल्ली के लोग अगर आज किसी कोई पूछेगा कि वो आज दिल्ली में कैसी सरकार है, तो दिल्ली के लोग क्या कहेंगे कि उनका एक ऐसा सीएम है जो जेल में बंद है। भाई जेल से गिरोह चलते रहे हैं, जेल से सरकार थोड़ी चलती रही है आकाशदीप पुनी, तो लोगों को कम से कम इतना लोकलाज तो रखना चाहिए कम से कम। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात है कि फॉर्मर जस्टिस अजय रस्तोगी, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा है कि ना कि उनको कोई लीगल बैरियर नहीं लगता अरविंद केजरीवाल के सरकार में। मेरे ख्याल से अगर जस्टिस बोल रहे हैं उनसे, तो वो हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता, वो जानते हैं। मैंने तो कानूनी बात कही नहीं, तो मैंने तो कानूनी बात कही नहीं सर, मैंने तो कहा कि राजनीति में शुचिता और स्वच्छता की बात तो करते थे ना आप, आपने कौन से कानून की बात करके आप सत्ता में आए साहब। अरे हर 5 सेकंड में अगर आप मुझे रोकेंगे मैं कैसे बोलूंगा सर, प्लीज 10 सेकंड्स। हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ।